कांग्रेस से हजारीबाग की बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद के घर चली 40 घंटे से ईडी की रेड समाप्त होने के बाद अब वह रांची आवास से हजारीबाग आवास पहुंची है। इसके बाद उन्होंने हजारीबाग मीडिया से मुलाकात करते हुए प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया है कि प्रावधान निदेशालय की टीम ने उनके यहाँ से उनके ऑफिसियल कागजात जब्त की है, जिसमें उनके और उनके परिजनों के कुछ उनके ऊपर केस दर्ज है, उनका ब्यौरा है, साथ ही साथ कुछ जमीन के और प्रॉपर्टी के कागजात भी शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पूरे परिवार के मोबाइल फोन को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने सीज कर लिया है और जांच में डाल दिया है। कोई भी किसी भी परिजन से संपर्क नहीं कर पा रहा है। अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव और उनकी छोटी बहन दोनों हजारीबाग से बाहर है, उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। अंबा प्रसाद ने यह भी बताया कि हमें परेशान कर लिया जाए ठीक है, लेकिन हमारी माँ और हमारी दादी को भी परेशान किया गया एवं हमारी छोटी बहन को भी परेशान किया गया, जबकि उनका इन चीजों से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। उन्होंने बताया कि हमें काफी परेशान किया गया। उन्होंने अभी बताया कि आगे कार्रवाई जो भी होगी वह राम भगवान जानते हैं, हम जनता के लिए खड़े थे और खड़े रहेंगे, आगे जो भी होगा उसे हम सहने के लिए तैयार है, हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा है, हमारा भी बुरा नहीं होगा। हजारीबाग ब्यूरो आरिफ खान की रिपोर्ट। देखिए, इस घटना से तो बहुत आहत है, मेरी बहन भी काफ़ी रोते रोते फ़ोन की कि उसको भी काफ़ी परेशानी हुई। हम लोग किसी को संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, सबके फ़ोन सीज कर लिए गए हैं, पूरे मेरे गांव से लेकर मेरी दादी से लेकर सब। तो निश्चित रूप से एक प्रताड़ना जब अपने ऊपर होता है तो सह लेते हैं, मेरे साथ जो करना है वो करे, हम सह लेंगे, लेकिन अगर मेरी माँ के साथ हो, अगर मेरी छोटी बहन के साथ हो, मेरी दादी के साथ हो, वैसे लोग के साथ हो जो सीधे साधे और मतलब जो इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत विचलित हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से एक मानसिक प्रताड़ना होती है। और इस चीज़ को एज अ चैलेंज स्वीकार भी कर रहे हैं। देखिए, हमें लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है और हम बहुत संघर्ष करके यहाँ तक आए, बहुत आसान रास्ता नहीं था, बहुत सारे चुनौतियों को पार करके आए हैं। जब हम कुछ नहीं जानते थे, जब किताबों तक सीमित थे, तब हम सार्वजनिक जीवन में सीधा मतलब हमें एक्सपोज कर दिया गया। उस समय भी मेरे कोई गुरु नहीं थे, मेरे कोई राजनीतिक सलाहकार नहीं थे, कोई मेरा राजनीतिक मेरा कोई गार्जियन नहीं थे, क्योंकि मेरा पूरा फैमिली जेल में था। बिल्कुल कठिन चीज़ है आज के दौर पे, और अगर आप एक संघर्षशील नेता हैं और आप जनता की लड़ाई लड़ते हैं तो आपको ख़त्म करने के लिए पूरा सिस्टम लग जाता है ऐसे दौर पर। तो ये एक अलग विषय है, और अब हम लोग इस जांच में पूरा सहयोग करेंगे, केंद्रीय एजेंसी है, बाकी आगे क्या होगा वो राम भगवान जानते हैं। एक बात स्पष्ट है, मेरे क्षेत्र में बालू है, मेरे क्षेत्र में कोयला है, मेरे क्षेत्र में और क्या बोले आप, जमीन। देखिए, मेरे क्षेत्र में क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल है, लोग बालू ज़रूर उठाते हैं, कोयला उठाते हैं, सब अपना व्यापारी करते हैं, ये करते हैं। हम लोग का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी चीज़ से, भले हमारा जैसे लोग अगर साइकिल से पकड़े जाते हैं कहीं, कोयला लेके जाते हैं या मोटरसाइकिल से पकड़े जाते हैं, तो हमें ज़रूर फ़ोन करते हैं या हमारा नाम ले लेते हैं कि हम लोग विधायक जी का आदमी है। तो हम लोग संरक्षण देने का काम करते हैं वैसे गरीब लोग को, क्योंकि हम लोग किसी का कंप्लेन नहीं करते हैं। ये आरोप ज़रूर लगता है कि मतलब वहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, जो बड़ी मछली है, उसके खिलाफ़ ज़रूर आवाज़ उठाते हैं। जो छोटी छोटी मछली है, वो मुझे लगता है कि उनका अधिकार है क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र है उनका, उनके घर में अगर कोयला हो रहा है तो उनका अधिकार है कि वो बगल से जलावन उठा के ले जा सकते हैं। कुछ और मिल जाए मेरा गाड़ी छोड़ के, जो गाड़ी मेरे को फिनांस किया गया है विधानसभा से और उसका इंस्टॉलमेंट मेरे सैलरी से कटता है, उसके सिवा कुछ भी अगर मेरा पृथ्वी में मिल जाए तो आप मुझे गलत ठहरा सकते हैं। और ईडी जो भी डॉक्यूमेंट ले गई है उस पर हम लोग से जो भी पूछताछ करेगी, जहाँ भी जो संबंधित लोग हैं वो अपना जवाब देंगे, लेकिन मैं अपना चीज़ आप लोगों को स्पष्ट कर रही हूँ, ताकि ये अफवाहों का बाजार उड़ा के, क्योंकि चुनाव आ रहा है, कई विरोधी लगे हुए हैं, आप लोगों को भी मिसगाइड करेंगे,
लेकिन आप लोग मिसगाइड मत होइएगा, जो एविडेंट्री जो एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, सब कुछ हम लोग आप लोग के साथ शेयर करने के लिए तैयार। 365 दिन आपके साथ, अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।